की रात है, हार कपा देने वाली ठंड है। महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी में जारे के चित्रण का अगर जीवंत प्रमाण देखना है तो आप स्क्रीन पर अपना ध्यान टिकाए रहें। ऐसा नहीं है कि कंबलों में ठंड से बचने की असफल कोशिश करने वाले ये लोग सिर्फ यात्री हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर रोजी रोटी में लगे रहते हैं और शाम में खगड़िया स्टेशन को ही आश्रय स्थल बनाते हैं। ठंड के मार से सिर्फ यात्री ही बेजान नहीं है, ठंड ने ट्रेनों के रफ्तार को भी कम कर दिया है। कोई भी ट्रेन समय से नहीं पहुंच रही है, लिहाजा भीषण ठंड में यात्रियों के पास ठंड में कांपने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खगड़िया स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था तो है, लेकिन 5 से 10 लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। यहाँ पर नगर परिषद खगड़िया की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है, जो अपेक्षा के हिसाब से कम लोगों को ही गर्मी प्रदान करने में सक्षम है। ठंड में ठिठुर रहे लोगों से जब बातचीत की गई तो उनके आलोचना और समालोचना के केंद्र में ठंड थी। बिहार में चल रही पछुआ हवा और छाए कोहरे के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार को गया का न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आगे मौसम अभी और सर्द होने वाला है। पटना, गया, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय सहित कई शहर सुबह शाम घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। सीमांचल में एक पखवारे में अभी ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना जताई जा रही है। बहुत ज्यादा ठंड है सर, खून को जमा देने वाला ठंड है। ये तो नगर निगम इतना राहत देती है कि शाम में लकड़ी देती है तो हम लोग को बहुत सारा, रात 11 बजे तक हम लोग को राहत मिलता है। आप कहाँ रहते हैं? जी मैं रैन बसेरा 3 में रहता हूँ सर। दोपहर में कुछ हल्का कम हो जाता है लेकिन ठंड तो रहता ही है सर। जी बहुत ज़्यादा कनकनी है सर। पैराग्राफ आप देख ही रहे होंगे कि क्या है नया, सो एकदम खून जम जाता है सर। बस यही कम्बल मिलता है रैन बसेरा से, इसी को ओढ़े हुए रहते हैं सर दिन भर, यही आग तापते हुए रहते हैं। मेरा नाम राजेश खन्ना है सर। 2 नंबर 3 नंबर तो यहाँ आए नहीं करने गए हैं? क्या है लगता, सुविधा कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छा ठीक है, आराम है। बैठो बैठो, ठंडा के चलते खींच रहा है। अरे ठंडा ही चलते मरते पगला कह रहा। बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड का कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से। ये हम लोग अपना मंगा कर जलाए हैं, व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। जो लहराते कोट फुट लहराते हैं वैसे साल ओढ़ कर आते हैं बैठा हुआ। कहता तो हर साल गिरता था तो इन साल नहीं गिरा, कहीं गिराएगा तो बोल रहा था कि आप गिराता था इन साल, हर ठंडा में गिराता था तो इन साल नहीं गिरा तो कहीं गिराएंगे। झाड़ू मारते हैं कहाँ? स्टेशन में ठंडा लगता है, उड़ के बैठते हैं। खगड़िया से शमशेर बहादुर की रिपोर्ट।